हमारे गुरुकुल में, उस समय गुरुकुल नया खुल रहा था, झोपड़ी गाड़ के मैं बैठा था, छोटा सा झोपड़ी था, तो मैं कुछ खाता था ना। एक लंबा लंबा दांत वाली बुढ़िया औरत, सात बच्चा का माँ है, छिड़ा छिड़ा साड़ी पहनती है, मेरे पास आ जाती है। ए मामान, बुढ़िया क्या बोले, बुढ़ी बुढ़ापे में एक बच्चा दिया, ठीक है, तो हम कुछ खाते रहते हैं तो उसको दे देते हैं, तो मेरे पास जो होता है दे देते हैं। यू नेवर बिलीव, वो अपना साड़ी में ऐसे घुमा के, अरे तुम नहीं खाती है? नहीं, वो मेरा छोटा सा बच्चा है, बूढ़ी मेरा बुढ़ापे में जन्म हुआ है, बच्ची ठो ऐसे हो गया तो उसको खिलाएंगे, मैं और देता हूँ, और खा। नहीं नहीं, ऐसा बोलेगी, फिर लेके फिर रख देगी, नहीं खाएगी। पीछे पीछे गया, ये 17 साल पुराना कहानी है, चुपके से गया देखने के लिए। एक बच्चा है सुखा सा, बुढ़ापे में और कितना मजबूत बच्चा होगा, रो रो के उस बच्चा को खिलाती है। दिल पसीज गया, तो मैं जब भी वहां जाता हूं तो कुछ व्यवस्था कर देता हूं। 17 साल के बाद बच्चा बड़ा हुआ, आंखों देखी हाल, जंगल का क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्र है, शायद कुंडली गलत टाइम में बच्चा जन्म हो गया, पैसा कमाने लगा, ट्रक रुक चलाने लगा, बहुत सारा पैसा कमाया, अपना माँ को हट के अलग घर बना के, एक तो ढुकू माने समझते हो, अरे ढुकू माने लड़की फंसा के ले आया, रख दिया, शादी उदी कुछ किया नहीं, लड़की आने लगी, लड़की से मोह प्रेम पास में फंस गई, माँ के साथ टर्चर, बहू माँ को पीटे, ध्यान ना दे, खाया नहीं खाया पूछे नहीं। जो माँ, मेरे को आज भी याद है, 17 साल पहले खुद नहीं खा के, मैं देख रहा हूं उसका पेट सूख रहा है, उसका पेट घुस रहा है, उसके मुंह से पानी है, लेकिन मेरा बेटा खाएगा, उसका माँ को इग्नोर करने लगा, आके रोती है मेरे पास, कुछ दिन नीचे रोया, देख थोड़ा समझा देना मेरा बेटा को, पकड़ में आए तो समझाऊं, मेरे को लाके कुछ खुचरा पैसा दे, बोला कुछ पूजा कर देना, बामन आदमी है तुम, मेरा बेटा मेरे को पूछेगा थोड़ा सा, कुछ नहीं माँ बोल के बुलाएगा, कुछ ठीक है कर देंगे, मैं पूजा करूँ, आया यहाँ पूजा करूँगा, यहाँ पहुँचा हूँ उसके लिए, पूजा करने के लिए, कल झरना फोन कर रही है कि मर गया लड़का, अपमृत्यु, मर गया एकदम स्पॉट डेथ, खत्म। इसलिए जब तक वे भाग्यवान लोग हैं जिनका माता पिता जिंदा है और उनका हाथ तुम्हारे सर पे है, मेरे घर में अगर मेरा माता पिता है जिंदा, ऐसा नहीं सोचना कि मेरे साथ गलत नहीं करते, करते हैं, लेकिन एक बार भी मुंह खोल के कंप्लेन नहीं किया कि मेरे साथ गलत किया आप, नहीं किया और करूंगा भी नहीं, या वो कहीं डिस्कशन करने का आवश्यकता नहीं, बस मेरा भगवान है, जैसे करते हैं अच्छा करते हैं। और ये बात हमेशा याद रखना, मां का एक इच्छा पूर्ति कर दो, एक, तुम्हारा 1000 इच्छा पूर्ति हो जाएगा। मां क्या चाहती है अगर समझ गए तुम, तो समझना कि विश्व में, विश्व को जीत लिए। जरूरत नहीं विश्व को जीतना, जरूरत नहीं गेंडा को हटा देना, जरूरत नहीं 2024 का प्लानिंग करना, एक प्लानिंग जरूर कर लो। और बार बार ये बोला हूं, आज भी कह रहा हूं, मैं नहीं बोल रहा हूं, निकल रहा है,